प्रिय बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसे कल आपको हमने बताया था अभ्यास 3.1 में पहला दूसरा क्वेश्चन बताया गया था, उसी के अंतर्गत आज आपको दूसरा तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। निम्नलिखित क्रमीय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना है। इसमें जो पार्ट दिए हुए हैं आपके 8 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें हम आपको 7वां पार्ट बताने जा रहे हैं। तो ये जो पहली संख्या हमारी दी है इसे घातांक के रूप में लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 625 बटे 1296 परिमेय संख्या का घातांकीय रूप। तो सबसे पहले हम घातांकीय रूप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए जो संख्या हमारे दे दी है 1296 को सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो ये हमारा जो हो गया, अगर 2 से कट संख्या डिवाइड करें 2 6 12 8 16 हो गया, फिर इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, द्वितीय 6 2 2 4 8 हो गया, 2 से 2 1 2 हो गया, 1 बच गया 12 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 2 4 फिर 2 से कटवाया 2 8 16 2 1 2। आपने देखा इकाई के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो इसको हम इसके अंकों का योग देखते हैं 8 9 3 9 हो गया, 3 से डिवाइड हो रहा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 6 3 7 21 27 आ गया, फिर 3 से चला जाएगा 3 9 27 हो गया, फिर 3 से 3 3 9 फिर 3 से 1 आगे प्रकार जो हमको 1 मिल गया। इसी प्रकार जो हमारी दूसरी संख्या में दे दी है 625, इसी के गुणनखंड करेंगे, ये 5 से कटेगी संख्या, 5 1 5 5 10 55 25 हो गया, फिर इसको 5 से 5 10 55 25 फिर 5 से काटेंगे 55 25 प्रकार हमको 1 मिल गया। तो हमारी संख्या थी 625 बटे 1296 बराबर हमको मिल गया है करके 5 × 5 × 5 × 5 नीचे जो है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हमने देखा ऊपर जो हमारा दिया हुआ है 5 जो है 4 आ रहा है, तो 5 की घात कितना हो गया 4। नीचे जो हर में जो दिया हुआ 2 की घात 4 × 3 की घात 4। तुमने देखा सारी संख्याओं के घातांक समान है, घातांक समान होते तो इसी आपस में गुणा कर दी जाती है, क्या हो गया ये मूल घात में 5 बटे 2 × 3 की घात 4 तो बराबर कितना हो गया भैया 5 × 3 × 6 की घात 4 ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार जो है